मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशाओं के अनुरूप प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर और बीकानेर में सफल आयोजन के बाद उदयपुर में दो दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर का कल आगाज हुआ। सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको बताएं, मेगा जॉब फेयर का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे एवं युवाओं को जॉब लेटर से लाभान्वित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुम्हारी का भट्टा एवं सेवाश्रम फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं गांधी ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। शाम को स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो वहीं रात्रि विश्राम उदयपुर में ही करेंगे। तो कल गांगड़तलाई बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन होना है, दूसरा दिन है आज, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जॉब लेटर वितरित करेंगे छात्राओं को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं उदयपुर से। रवि, देखिए, आज दो दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नाइट स्टे भी वहीं होना है, क्या कुछ अपडेट है उनके इस दौरे को लेकर? जी देखिए, उदयपुर में मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो वो उदयपुर जो मेगा जॉब फेयर है उसमें शिरकत करने वाले हैं, और जिन अभ्यर्थियों ने कल इंटरव्यू दिए थे उसके बाद में जो सेलेक्ट हुए तो उन अभ्यर्थियों को जो जॉब लेटर जो है उनके, तो वो अपने हाथों से मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो ये युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और दूसरी बड़ी बात ये कि उदयपुर में जो दो फ्लाईओवर है, कुमारों का भट्टा और सेवाश्रम जो खुलिया है, तो इन दोनों फ्लाईओवर का उद्घाटन भी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। उसके बाद उदयपुर में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है वो गांधी ग्राउंड में होगा करीब 3 बजे, तो उसका वो शुभारंभ करेंगे। और शाम को 7 बजे का स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, और आज उनका रात्रि विश्राम जो है वो उदयपुर में रहेगा। जी जी रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।